बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों का लत बन चुका स्मैक, गांजा और चरस, और कई युवा इसके आगोश में जा रहे हैं। शराबबंदी के बाद आकलन भी निकाला गया तो गांजा और अफीम का नशा दिन प्रतिदिन लोगों पर हावी होते जा रहा है। ऐसा ही मामला एक मुजफ्फरपुर से आया है, जहां फिल्मी अंदाज में दो आंटी जी गिरफ्तार हुई हैं। जब जांच में पता चला तो बड़ा खुलासा हुआ, और इस बड़े खुलासे में आंटी जी ने खुलासा किया कि स्मैक का यह धंधा करती थी, और फिल्मी अंदाज में स्मैक की यह धंधा करते हुए पकड़ी गई थी, जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छान भी की और दबिश बनाते हुए दोनों आंटी को अपने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जारी है, देखिए इस वीडियो को। मुजफ्फरपुर में दो आंटियां मिलकर स्मैक का कारोबार कर रही थी। इनका गिरोह आंटी गैंग से जाना जाता है। मामले में नगर थाने के पुलिस ने स्कैम बेचने वाली आंटी गैंग का सिकंदरपुर मोहल्ले से हिरासत में लिया। वे स्मैकियों के बीच आंटी के नाम से काफी मशहूर है। स्मैकियर उनके घर तक जाते हैं और वह अपने मोहल्ले में भी आंटी के नाम से जाने जाते हैं। फिल्मी अंदाज में हुई आंटी गैंग की गिरफ्तारी, इसकी जानकारी पुलिस को पिछले दिनों मिली थी कि एक आंटी गैंग स्मैक का कारोबार कर रही है। जानकारी के बाद पुलिस उनकी तलाश में लग गई। पुलिस उनका लोकेशन मिला, जिसके बाद से वे उसे गिरफ्तार करने गए। गिरफ्तारी भी फिल्मी अंदाज में हुई। पुलिस ने रणनीति बनाकर एक जवान को उनके घर पर स्मैक खरीदने के लिए भेजा, लेकिन पहचाने जाने के कारण उन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया। इसके बाद एक स्मैकियर को भी भेजा गया, उसके पीछे गई पुलिस ने दोनों के हिरासत में ले लिया। दोनों की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि उनके पास से पुलिस ने 20 से 25 पुड़िया स्कैम बरामद किया है। पुलिस ने दोनों के फोन को भी जब्त किया है। उनके फोन से पुलिस को कई डील के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस उनके बताए गए ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। नगर थाना अनिल कुमार ने बताया कि दो महिलाओं को स्मैक बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। तो आपने देखा कि मुजफ्फरपुर का यह घटना है, जहां फिल्मी अंदाज में आंटी जी स्मैक का कारोबार करती थी। इनका गैंग और नेटवर्क बहुत फैला हुआ था, जिसको लेकर पुलिस काफी परेशान चल रही थी। कई शिकायतों के बाद पुलिस ने दबिश बनाई, और दबिश बनाने के बाद दोनों आंटियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में पता चला कि दोनों आंटी स्मैक का धंधा करते थे, और स्मैकियर को भी अपने साथ रखते थे और सामान की डिलीवरी करवाते थे। पर पुड़िया पर पैसा अगर बात किया जाए तो 500 रुपये पर पुड़िया का डिमांड किया जाता था, जिसको लेकर स्मैक का एक बड़ा खुलासा मुजफ्फरपुर में हुआ है।